राम मनोहर लोहिया की जब डेथ हुई ना, तो उनकी जेब में सिर्फ 10 रुपए थे और उनको इलेक्ट्रिक जो होता है ना, बिजली वाला लाश जलाने वाला, उसमें जलाया गया था। 13 रुपया 80 पैसा खर्चा हुआ था। राम मनोहर लोहिया, और ये उनकी वसीयत थी कि जब मैं मरूं तो मुझे लकड़ी में मत जलाना, मेरे जलाने पर पैसा वेस्ट मत करना, ये गरीबों का मुल्क है। और दूसरी तरफ जब भारत के एक दूसरे नेता मरे, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि राजनीतिक मंच नहीं है, तो उनकी अंतिम संस्कार पे 4.5 करोड़ रुपया खर्चा हुआ था, सिर्फ चंदन की लकड़ियां मंगाई गई थी। ऐसे बहुत सारे नेता, कोई एक नेता वही नहीं थे, बहुत सारे बड़े बड़े नेता हैं जो मरे हैं। तो सोचो, तैयारी का दूसरा मतलब है लॉ ऑफ कनेक्टिविटी। पहला मतलब क्या है? उसके बिना तो कुछ होगा ही नहीं। दूसरा मतलब क्या है? अब ये जो तुम डायग्राम देख रहे हो ना, ये यूपी में जातिवाद तुम कैसे कंट्रोल करोगे? प्रवचन करके? नहीं। बिहार में जातिवाद तुम कैसे कंट्रोल करोगे? प्रवचन करके? नहीं। तब कैसे करोगे? यहां औद्योगिक क्रांति करवा दो। जैसे तुम यहां औद्योगिक क्रांति कराओगे, यहां का सामाजिक संरचना बदल जाएगा, इकोनॉमी बदलेगी। जैसे इकोनॉमी बदलेगी, समाज बदल जाएगा। फिर समाज में 2 तबके हो जाएंगे, एक पूंजीवादी, एक मजदूर। अभी क्या है? अभी सामाजिक संरचना क्या है? अभी यहां ब्राह्मण है, दलित है, राजपूत हैं, वो पुरानी सामाजिक सर, क्योंकि पुरानी अर्थव्यवस्था है ना, नहीं बात समझ में आ रही? पुरानी अर्थव्यवस्था है। सीरिया में सिविल वॉर चल रहा है, किसके बीच में? शिया और सुन्नी के बीच में। क्यों? क्योंकि वहां औद्योगिक क्रांति नहीं हुई, तो क्योंकि वहां पुरानी अर्थव्यवस्था है तो वहां पुरानी सामाजिक व्यवस्था भी है। इकोनॉमी और समाज का बहुत गहरा संबंध है। बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस है नीना गुप्ता, वो बोल्ड बोलने के लिए बड़ी फेमस है, मतलब बिंदास, उतनी खतरनाक बोलना किसी की औकात नहीं है, कुछ भी बोल देती हैं, कुछ भी। 1980 में उनका अफेयर हो गया विवियन रिचर्ड से, वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी। वो प्रेग्नेंट हो गई, प्रेग्नेंट हो गई तो विवियन रिचर्ड ने उनसे शादी करने से मना कर दिया कि हम शादी नहीं करेंगे। मैंने कहा ठीक है मत कर, पर मैं अपने बच्चे को जन्म दूंगी। 1980 में इतना हाहाकार मचा इस कंट्री में, और उस लेडी ने कहा नहीं, औरत हूं, मेरे कोई राइट नहीं है, मैं डिसाइड नहीं कर सकती। लेकिन वो ये डिसीजन क्यों ले पाई? क्योंकि वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र थी,